आप सभी के सामने आज मैं लेके आया हूँ हमारा एक मॉडलर किचन, जो कि एल शेप में आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसका मटेरियल बताने वाला हूँ, प्राइस भी बताने वाला हूँ, लेकिन आपको वीडियो में नहीं, बल्कि आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके इसका पूरा डिटेल जान सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल इंटरजगत में, और आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटरजगत। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप लोग प्यारा सा मॉडलर किचन, जो कि आप यहाँ पे इस वीडियो में देख रहे हो। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि जो किचन का साइज है हमारा, ये किचन का साइज जो है 10 फीट बाई 6 फीट का है। अगर मैं यहाँ से इस वॉल से लेकर यहाँ तक की बात करूं तो ये हमारा 10 फीट है, लेकिन यहाँ पे जो है फ्रिज के लिए हमारा 36 इंचेस 3 फीट हम लोगों ने यहाँ पे फ्रिज का जगह बिल्डर की तरफ से रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ से हमारा ये जो काउंटर आप देखेंगे, ये यहाँ तक आपका 7 फीट तक का आता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देखेंगे ये हमारा 4 फीट का आता है, क्योंकि 2 फीट जो है हमारा ये डीप में काउंटर चला गया है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले ये देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये फुल बॉडी विट्रीफाइड हमारा स्लैब है, ये टाइल्स है फुल बॉडी, जो कि क्वार्ट्ज का फील आपको देता है, पूरा ग्लॉसीनेस आपको इसमें मिलेगा देखने में। और यहाँ पे सबसे पहले ये सामने में आप इसका देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने मोल्डिंग लगा के इसको डबल मोल्ड किया हुआ है, जो कि पूरा स्क्वायर इसका मोल्डिंग हम लोगों ने किया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं बैक स्पेस की बात करूं, मतलब ये टाइल्स की बात करूं, तो ये जो टाइल्स है ये थोड़ा आपका गोल्डन और व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ में, ये आप जो वेंस देख रहे हैं ये गोल्डन में आपको थोड़ा वेंस आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। ये जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये हमारा कंक्रीट वॉल था, आरसीसी वॉल है, इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते थे, इसलिए जो स्विच बोर्ड जहां पर है वो वहीं पे था। बिल्डर की तरफ से यहाँ पे मना किया गया था कि आप कोई भी स्विच बोर्ड वगैरह वॉल वगैरह कटिंग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी स्विच बोर्ड वगैरह नहीं दे पाए हैं। तो ये एग्जिस्टिंग जैसा था वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ। सबसे पहले आप यहाँ पे दिखाता हूँ जो हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, ये तीन साइड में हम लोगों ने यहाँ पे आपका 3 बास्केट दिया है, यहाँ पे बॉटल प्लॉट दिया है, यहाँ पे 3 बास्केट दिया है, और ये हमारा एक कॉर्नर पल्ला हो गया। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने कोई स्टार्टिंग नहीं दिया है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका गैस सिलेंडर आके अंदर में यहाँ पे आपका गैस सिलेंडर आराम से रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। कॉर्नर पल्ला जैसे देखा, और यहाँ पे हम लोग का ये 2 हम लोगों ने यहाँ पे सिंक के लिए, नीचे हमारा सिंक चला जा रहा है, यहाँ पे हमारा कैबिनेट हो गया, तो यहाँ पे आप डस्टबिन वगैरह भी यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। अब मैं अगर सिंक की बात करूं तो ये जो है हमारा हैंडमेड सिंक जो है ये 2 फीट का, और ये जो डीप आप देख रहे हैं ये 18 इंच का हमारा ये सिंक आपको मिल रहा होगा। और इस जगह में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ओपन सेक्शन हम लोग रखा है, ताकि यहाँ पे आप कुछ भी जो आर्टिफैक्ट्स होता है, थोड़ा नेचुरल प्लांट वगैरह होता है, वो यहाँ पे डेकोरेटर में आप इसका अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो वाटर का नॉब है वो इन साइड में है, तो इसमें यहाँ पे आप नॉब देख रहे होंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइट दिया ताकि प्लांट वगैरह आप कुछ भी रखेंगे तो ये आपका दिखने में अच्छा लगेगा डेकोर पर्पस। और यहाँ पे हम लोगों ने जो किया है, यहाँ पे आपका एक्वा गार्ड रहेगा, तो जिसके वजह से यहाँ पे हम लोगों ने ये एक्वा गार्ड का प्रोविजन दिया है, जो कि प्रोफाइल पल्ला नीचे से आपको पूरा ओपन मिलता है, जैसे आप देख रहे हैं नीचे में कुछ भी नहीं है। जब आप एक्वा गार्ड हो तो इजिली आप ऑपरेट कर सकते हैं पानी वगैरह, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको मेन जो दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे में हम लोगों ने यहाँ पे कटलरी जो दिया है ये 4 इंच का प्लेन दिया है ये वाला, और ये सारा हमारा सॉफ्ट क्लोज है जैसे आप देख रहे होंगे। और नीचे भी जो हमने दिया है इसमें भी हम लोगों ने 6 इंची प्लेन दिया है, जो कि अभी सॉफ्ट क्लोज हम लोगों ने दिया है बास्केट, और यहाँ पे भी 8 इंची जो है ये प्लेन है। अब मैं आपको बताता हूँ प्लेन बास्केट का जो एडवांटेज होता है, उसमें आप कोई भी तरह का जो बर्तन वगैरह होता है वो आप ज्यादा यूज कर सकते हैं। अगर कप एंड सॉसर होता है तो उसमें क्या होता है कि कप एंड सॉसर ही सिर्फ आपको रखना पड़ेगा, प्लेन एरिया में आप कुछ भी ज्यादा सामान नहीं रख पाएंगे। तो उसके साथ हम लोग यहाँ पे जो है कटलरी जो है आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, जैसे ये बोतल प्लॉट है हमारा, ये 3 रैक का है, तो इसमें आप अपना सामान बोतल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने कटलरी का दिया है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये है हमारा कटलरी आइटम जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन किया हुआ। और यहाँ पे आप जब देखेंगे ये भी 6 इंची का हमारा प्लेन है, और यहाँ पे हमारा 8 इंची का जो है ये भी हम लोगों ने प्लेन दिया है, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो होता है बर्तन वगैरह का सामान कवर करने के लिए आपको हमेशा प्लेन बास्केट में यूटिलिटी ज्यादा मिलता है, काम ज्यादा आपका होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ऊपर में, सबसे पहले आप ऊपर में देखेंगे यहाँ पे हमारा पूरा ही लॉक हम लोगों ने किया है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्टोरेज मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा प्रोफाइल पल्ला, ये हम लोगों ने ग्लास प्रोफाइल दिया है, ताकि ये वाला एरिया में आपको लाइट मिल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है
कि यहाँ पे हमारा हुड है, तो यहाँ पे हम लोग लाइट नहीं दे सकते थे, इसके वजह से यहाँ पे हम लोगों ने हुड किया है ताकि चिमनी का जो एक सिमेट्रिक है, ये वाला जो सिमेट्रिक है डिजाइन जो है वो एकदम कंटिन्यू रहे, इसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पे किया। इस साइड में हम लोगों ने कैबिनेट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो सनलाइट है यहाँ पे इनका कम हो जाता, यहाँ पे विंडो गार्ड हो जाता, और ये वाला जब हम करते थे ये एरिया इतना शॉर्ट हो जाता, जब इसका डीप आता तो ये ऐसे ही शॉर्ट हो जाता, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस किचन को डिजाइन किया, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने पूरा प्रोफाइल लाइट जो है चारों तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे एल शेप में प्रोफाइल लाइट दिया है, नीचे में हम लोगों ने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट दिया है, और यहाँ से जो है हम लोगों का चिमनी जो ऑपरेट होगा, ये चिमनी आप देख सकते हैं, ये हमने आपको वीडियो दिखाया भी था इंस्टॉल किया हुआ और इसका रिव्यू भी दिखाया था, ये जो है लिखा का चिमनी है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये ओवरऑल किचन की अगर मैं प्राइस की बात करूं, तो अगर आप इसके प्राइस के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको मैं इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कीजिए, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं ऐसे किचन डिजाइन करने में, इसके प्राइस के बारे में बताने के लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये जो किचन का डिजाइन है ये आपको अच्छा लगा होगा। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट, इसमें जो हम लोगों ने यूज किया है ये हमारा पीवीसी लेमिनेट है, ऊपर में हमने पूरा व्हाइट पीवीसी लेमिनेट रखा है, नीचे में हमने पूरा एक कलर का, ये आपका ओलिव ग्रीन आप इसको बोल सकते हैं, सी ग्रीन बोल सकते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे पीवीसी लेमिनेट यूज किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत।